अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ये ग्रैंड कैबिन का जो है डिटेल में रिव्यू करवाने जा रहे हैं। आए जी, हम आपको डिटेल में रिव्यू करवाते हैं। ये इसकी की होती है, ठीक है, और ये गाड़ी के अंदर से दिखती कैसी है, होती कैसी है, ठीक है। ये इसका रिडार ऑप्शन है। ये गाड़ी अभी हम स्टार्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये इसका कलरफुल अपना मीटर और ये इसका डैशबोर्ड होता है, ठीक है। तो अब आ जाए आपको हम लोग पीछे से गाड़ी का रिव्यू करवाते हैं। ये गाड़ी है बेसिकली 19 मॉडल जापान। इसके बेहतरीन किस्म के नए टायर आए हैं, ठीक है। गाड़ी में मैं नहीं समझता कि काम होने वाला है। ये गाड़ी चेक करवाएं, ये जापान से आई है। इस पर कारपेट वगैरह बिल्कुल हर चीज़ अपनी जगह पर है और बड़ी बेहतरीन और नई गाड़ी है। बेसिकली 3.5 ग्रेड की गाड़ी है ना, साफ तो होगी। और ये ऑटो डोर गाड़ी है, तो ये सलाह साहब इनको गाड़ी चेक करवाई। ये ऑटो डोर, सॉरी, इसका मैनुअल क्या हुआ यार, ये ऑटो डोर मैं ऑटो करना। अच्छा, ये गाड़ी की अपना वॉकर एंड रिव्यू है, आप देख सकते हैं। बड़ी बेहतरीन, बड़ी नई गाड़ी, ठीक है, जिसकी आस्किंग प्राइस मैंने कल आपको बताई थी 1.5 करोड़ है। कमी पेशी इसकी हो सकती है, ठीक है। ये इसकी डिटेल में हम आपको रिव्यू करवा रहे हैं। ये इसके दिखाएं, ये रिडार सिस्टम इसका सारा लगा हुआ है, ठीक है। ये जापान से ही लग के आया है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये। ये बेसिकली होती है ट्रिप्टोनिक गियर के अंदर। ट्रिप्टोनिक गियर कहते हैं ऑटो ट्रांसमिशन और प्लस ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन, इसको ट्रिप्टोनिक गियर कहा जाता है, ठीक है। ये हाई वो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना, इसका गियर एफिशिएंसी जो है ना परफॉर्म करता है ये गाड़ी। ये ऑटो डोर है, शायद ऑटो डोर आप ऑन हो गया हो, ठीक है। ये शायद अभी मेरे का ऑटो डोर हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।